नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राजेश वर्मा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम जो भी जरूरी मुद्दे होते हैं उनके लिए वीडियो लाते रहते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम अपने चार किताबों के बारे में दिखाने वाले हैं। इन्हें मैं सबसे जरूरी किताब मानता हूँ, इसी कारण से इन्हें प्राइमरी बुक कहता हूँ। ये किताबें जो है ये आपको ये बताएंगी कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं और उन्हें कितने डेप्थ में और सवाल कैसे पूछे जाते हैं और आपको नोट्स कैसे बनाने होते हैं। यानी कि ये आपको ये बताने के साथ साथ ये क्या पढ़ना है ये भी बताती है कि इन्हें कैसे पढ़ना है। तो आइए इन किताबों को देखना और जानना प्रारंभ करते हैं। पहली किताब आप देख सकते हैं ये है सिलेबस की। सबसे पहले सबसे जरूरी किताब ये जो होती है ये सिलेबस ही होती है। और ये जो चार किताबें हैं मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चार किताबें आपके पास तैयारी के डे वन से होनी चाहिए। यानी जब से आप तैयारी जब से स्टार्ट करते हैं तब से ये चार किताबें आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने कहा पहली किताब है सिलेबस। सिलेबस के लिए ये किताब इंग्लिश मीडियम में सबसे बेहतर है। ये जो है ये एक एक्सप्लेन्ड सिलेबस की बुक है। अगर आपको साधारण भाषा में कहें तो ये वो किताब है जो सिलेबस में जो छुपे हुए टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपको एक हेडिंग दे दिया जाता है तो उस हेडिंग के अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं और उसके अंदर में कौन कौन सी टॉपिक होती है ये उसको एक डिटेल में बताता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है माइक्रो टॉपिक एनालिसिस, है ना। एनालिसिस लिखा है ना, लिसनिंग लिखा है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये माइक्रो टॉपिक लिसनिंग है, मतलब कि आपको टॉपिक के अंदर जो सबसे सूक्ष्म टॉपिक है उसको भी इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। ये आपके प्री और मेंस दोनों को मिला करके एक क्या बोलते हैं, एक डिटेल्ड सिलेबस की बुक है। ये देख सकते हैं प्री कम मेंस, ठीक है ना। तो ये पहली किताब हो गई सिलेबस की बुक। आइए अब हम दूसरी किताब को देखते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण किताब होती है प्रीवियस ईयर्स, है ना। प्रीवियस ईयर में इंग्लिश मीडियम में मुनाल सर की जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है ये आप देख सकते हैं, ये बुक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। और ये जो किताब है ये टॉपिक वाइज है। टॉपिक वाइज होना बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है टॉपिक वाइज लेना। कारण ये है कि टॉपिक वाइज लेंगे तो आप टॉपिक को पढ़ेंगे, टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक को इस किताब में ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपने पढ़ा, पढ़ करके उसका क्वेश्चन लगा लिया तो आप सोचिए कि आपका जो टॉपिक जो आपने पढ़ा था वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिकली भी उसको आपने सॉल्व करके आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। तो इसलिए प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास होनी ही चाहिए। ये किताब सिर्फ प्रैक्टिस करने के पर्पस से ही बेहतर नहीं होती है, बल्कि इसलिए भी बेहतर होती है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, है ना, तो उनमें आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, उनका डेप्थ क्या है, किस तरह से आप अपने नोट्स को बनाएं कि आप अपने जो भी सवाल चाहे जिधर से भी घुमा के पूछें उसे आप कर सकें। यानी प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में भी प्रीवियस ईयर की अहम भूमिका होती है। तो ये रही प्रीलिम्स की किताब, है ना। इस किताब में आपका पेपर वन पेपर टू दोनों है, कहने का मतलब जीएस भी है और सी सेट भी है। और पिछले 27 सालों का इसमें जीएस के क्वेश्चन और आंसर शामिल है, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरी किताब, वो है मेंस की प्रीवियस ईयर की बुक। प्रीवियस ईयर की भूमिका की बात हम कर चुके हैं कि प्रीवियस ईयर की बुक रहती है तो आपका फायदा ये भी होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी मेकिंग में भी बहुत सहायक होते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस के लिए अरिहंत की ये किताब मेरे ख्याल से बेहतर होती है। इसके अलावा आप न्यू विशाल की भी किताब चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल में, ये चैप्टर वाइज सोल्ड है। चैप्टर वाइज सोल्ड मतलब जैसे मान लेते हैं कि आप एंशियंट पढ़ रहे थे, एंशियंट में अगर आप हड़प्पा से सभ्यता पढ़ रहे थे हड़प्पा से क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि आप मध्यकाल में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे मतलब आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से मिल जाएगी, समझ में है ना। ये काफ़ी बेहतरीन है, आप ये मेंस के लिए किताब यूज कर सकते हैं। मेंस के प्रीवियस ईयर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ये हमारी हो गई तीसरी किताब। अब आते हैं चौथी किताब पे, ये हो गए एटलस। एटलस की ये किताब जो होती है ये आपको ये किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ये किताब आपके लिए यूजफुल होती है, ये बहुत यूजफुल होती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, आईआर के सेक्शन में होता है। आप इसे, मेरा तो मानना है कि आप जब भी सुबह उठें एक बार इसमें एक बार झांक लें, देख लें,
इससे आपका फायदा ये होता है कि फिगर आपके माइंड में सेट होते जाता है, और आप जब जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं या हिस्ट्री में जब आप अंग्रेजों के जो पदार्पण के बाद जैसे अंग्रेज प्रवेश करते हैं, कैसे कैसे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, इन चीज़ों को फिगर के माध्यम से देखते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ना। और ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रीलिम्स पे कई सारे सवाल मैपिंग की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो ज्योग्राफी के मैपिंग से कनेक्ट करके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चौथी किताब होती है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा आपके पास किसी अच्छे कोचिंग की कोई क्वेश्चन वगैरह यानी जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह मिल रहा है तो वो भी बेहतर हो जाती है कि आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने प्रीवियस ईयर को देखा और थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो मिल जाती हैं वो भी आपने लगा लिया, तो वो काफ़ी आपके लिए बेहतर हो जाता है। वो कुछ इस टाइप से हो जाते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह, है ना, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं और इनका आंसर वगैरह भी इसमें लिखा रहता है पीछे के साइड में, तो आपको टोटली आपको समझाने में बहुत मदद करते हैं। और ये जो किताबें मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाई, हिंदी मीडियम में भी आपको ये किताबें अवेलेबल होती हैं, आप चाहे तो हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चार किताबें मेरे दिखाने का पर्पस ये था कि ये किताबें आपके पास अगर रहती हैं तो आप इनका यूज करके आप अपने तैयारी को काफी शानदार बना सकते हैं, और ये आपके बहुत आगे तक मदद करेगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मंगाने के लिए इन्हें आप दिए गए नंबर पे, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कॉल या मैसेज करके जो स्टाफ लोग हैं उनसे बात करके आप अपने ऑर्डर की बुकिंग करा सकते हैं। उसके लिए आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, एड्रेस भेजेंगे, कुरियर हो जाएगा। लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हमारे यहाँ से पार्सल निकलते हैं, कुरियर हो जाएंगे। तो देखिए अगर आपको चाहिए तब मंगा सकते हैं। धन्यवाद।